साथ एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जहांगीरपुर हिंसा की जांच अब तेज हो गई है। फॉरेंसिक टीम जहांगीरपुरी पहुंची हुई है। फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच गई है और मौके से सैंपल अब लिए जा रहे हैं फॉरेंसिक टीम द्वारा, ताकि आगे की जांच में इसका सहयोग मिल पाए। जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जांच में तेजी लाई गई है और अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, आपको बता दें। और उसमें जो FIR रजिस्टर की गई थी, उसमें जो दो बड़े नाम थे वो असलम और अंसार के थे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम अब वहां पर पहुंच गई है। हिंसा का जो क्षेत्र था वहां से सैंपल बटोरे जा रहे हैं, क्योंकि अब भी वहां पर कई ऐसे सबूत हैं जिनके जरिए आगे की जांच में कुछ सहयोग मिल सकता है। तो फॉरेंसिक टीम अब जहांगीरपुरी पहुंच चुकी है। मैं फॉरेंसिक टीम में पहुंची, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ ये फॉरेंसिक टीम है जो यहाँ पर हर एंगल की जांच करेगी, जो जो चीजें हुई, क्योंकि कई जगह पर कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें पकड़ा जाना था, जो एविडेंस थे उन्हें कलेक्ट करना था। लेकिन कल का दिन जो है काफी दिक्कत आई थी, और जिसके बाद आज यहाँ पर फॉरेंसिक टीमें पहुंची हुई हैं। फॉरेंसिक टीमें कोशिश करेंगी कि सैंपल्स को लेकर यहाँ से जाया जाए। और सबसे बड़ी चीज यही है कि यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये टीमें जो हैं यहाँ पर पहुंची हैं, और उनसे कोशिश करते हैं कि जो टीमें हैं यहाँ पर वो क्या प्लान करके चलेंगी यहाँ पर, और कोशिश करते हैं। सर, आप लोग आए हैं यहाँ पर, किस तरह का रहेगा ये सैंपल कलेक्शन का? अभी कुछ बता नहीं सकते, दिन भर यहाँ रहेंगे कि एक दो घंटे के लिए टाइम लगेगा अभी तक। अच्छा, कल भी आई थी सर आपकी टीम यहाँ? नहीं नहीं, अभी आज ही आएंगे। अच्छा, ये दिल्ली से ही आप लोग? दिल्ली से। और जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और हम आपको जहांगीरपुरी में बढ़ाई गई तीन अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहांगीरपुरी में किस तरीके से पूरी की पूरी जहांगीरपुरी का जो क्षेत्र है छावनी में तब्दील कर दिया गया है, और सड़क पर कड़ा पहरा है क्योंकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। वहीं जहांगीरपुरी में जगह जगह बैरिकेडिंग भी है। जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर जिस तरह से बवाल हुआ था, उसके बाद अब मामले की जांच क्राइम ब्रांच की टीम को कर दी गई है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी जो है देर रात भी यहां पर पहुंचे थे। एक दिन पहले यहां पर अधिकारी के साथ साथ स्पेशल CP क्राइम ब्रांच यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने पूरा मौका मुआयना किया था, घटनास्थल के सारे CCTV फुटेजेस लिए थे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी अधिकारी यहाँ पर लगातार मंत्रणा कर रहे हैं। किस तरह के हालात पूरे इलाके में है उसको देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कि कहीं पर कोई ऐसी गतिविधि ना हो, लोगों की मूवमेंट इस तरह से ना हो जो किसी भी बवाल को करने के लिए यहाँ पर तैयार हो। और अब क्राइम ब्रांच जिस तरह से मामले को लेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं उन सभी वीडियोज को अपने कब्जे में लेगी क्राइम ब्रांच जो संदिग्ध रूप से वायरल हुए थे, और वायरल वीडियोज के तहत ही पुलिस अगली जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ाएगी। और यही वजह है कि लगातार जो CCTV फुटेज है जहां जहां पर जहां से लोग भाग सकते हैं उन लोगों की मूवमेंट को पकड़ने के लिए CCTV जो डिवाइसेस हैं उनको कैप्चर किया गया है। साथ ही अब क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार इस मूवमेंट पर काम करने के लिए तैयार हो चुकी है, और जगह जगह पर उनकी टीमें जो है सादी वर्दी में इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे रही हैं। तो जांच लगातार तेज होती जा रही है, और जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। तस्वीरें आप देख लीजिए, और अभी हालात कैसे हैं इस खास रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 6 तस्वीरों के जरिए अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जहांगीरपुरी में तनाव की स्थिति थी, और उसके बाद किस तरीके से अब सुरक्षा बलों द्वारा वहां पर नियंत्रण भी किया गया है, क्योंकि लगातार लोग डरे सहमे हुए हैं, और कोशिश की जा रही है कि कोई भी घरों से बाहर ना निकले। और ऐसे में दिल्ली हिंसा की आग की आंच अब तक महसूस की जा रही है। फिलहाल तो हालात काबू में है, लेकिन सवाल ये है, सवाल काफी है और लंबी फहरिस्त भी है। हिंसा मामले में अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है, और आज एक बार फिर पुलिस रोहिणी कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश करेगी। लेकिन सवाल ये कि दंगे में और कितने आरोपी हैं? दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में हिंसा का मास्टरमाइंड असलम और अंसार को बताया। ये दोनों ही आरोपियों को पहले से ही आपराधिक इतिहास इनका रहा है, जबकि कल देर शाम पुलिस ने सलीम उर्फ चिकना को भी गिरफ्तार करने में वो सफल रही। सलीम पहले भी डकैती और हत्या के प्रयास में जेल जा चुका है। एडिक्वेट नंबर्स में पुलिसमैन यहाँ मौजूद हैं, और हम लोग जितना भी इलाका है लोगों से भी कम्युनिकेशन में हैं, और पुलिस के प्रेजेंस से इफेक्टिव तरीके से शांति व्यवस्था हमने कायम कर रखी है, अफवाहों को कंटेन किया हुआ है, और लोगों से हम स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन में हैं, और इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस कर रहा है। अब तक 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 जुवेनाइल एप्रीहेंड हो चुके हैं।
इन्वेस्टिगेशन, उनसे इंटरोगेशन चल रहा है, उनसे बातचीत चल रही है। जो ट्रुथ है, सत्य क्या है, क्या न्यूएंसेस इंसिडेंट के हैं, इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। आज दो दिनों के दौरे पर गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गांधीनगर में शाम 6 बजे शिक्षा विभाग के कमांड सेंटर का करेंगे दौरा। पीएम मोदी की चिट्ठी का पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिया जवाब। दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर भरी हुंकार। कहा, अगले 10 सालों तक रूस से लड़ाई लड़ने को तैयार है यूक्रेन। एक एक इंच जमीन की करेंगे रक्षा। जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से यूक्रेन की सेना ने रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था मिसाइल के जरिए। यहाँ पर पूरा बिखरा पड़ा है जो अटैक हेलीकॉप्टर था उसका मलबा। भारी तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं तो बड़े से बड़ा टैंक, बड़े से बड़ा गोला, बड़े से बड़ा असलहा भी उसके सामने कम पड़ जाता है। जो अपने बच्चों की सकुशल वापसी चाहते हैं और वो अपील कर रहे हैं कि युद्ध को बंद किया जाए।